हेलो एवरीवन, ये वीडियो है हमारा ईटीआरएफ के बारे में कि ईटीआरएफ को कैसे डाउनलोड करना है। हमें काफ़ी क्वेरीज आ रही थी कि हम ईटीआरएफ कहाँ से डाउनलोड करें, कैसे डाउनलोड करें। जैसे कि आपको पता है, आईडीबी ने एक नया इनिशिएटिव लिया है आफ्टर कोविड कि वो अब ईटीआरएफ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पर आपका कैंडिडेट लॉग इन है वहीं पर। तो आपको कोरियर के वेट करने की ज़रूरत नहीं, आपको अपना अप्लाई करने में डिले करने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही आपका रिजल्ट आता है, आप इजीली अपना ईटीआरएफ डाउनलोड करके अपना एजेंट्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को सेंड कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको कैसे लॉगिन करना है और कैसे ईटीआरएफ को डाउनलोड करना है। सबसे पहले आप जाएंगे कैंडिडेट लॉगिन आईडीपी। जैसे ही आप यहाँ लॉगिन करते हैं, यहाँ पे एक ऐसे बॉक्स आता है जिसमें लिखा है टू मेक द कैंडिडेट लॉगिन मोर सिक्योर वी हैव चेंज द क्रीडेंशियल्स एंड प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग योर कैंडिडेट लॉगिन। पहले क्या होता था कि आप अपना पासपोर्ट और डेट ऑफ बर्थ डालते ही रिजल्ट खोल सकते थे, लेकिन अब आईडीपी ने इसको और सिक्योर बना दिया। अब आपको यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डालना। यूज़र नेम और पासवर्ड आपके पास कहाँ से आए? ये आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे प्रोवाइड किया जाता है जब आप यहाँ लॉगिन करते हो। जहाँ पे जब आप जाते हो, आप क्लिक करेंगे फॉरगॉट योर यूज़र नेम। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहाँ आपका पासपोर्ट नंबर और डेट ऑफ बर्थ आप करते हैं, तो आपको ईमेल पे यूज़र नेम प्रोवाइड किया जाता है। जैसे ही आपको अपना यूज़र नेम मिलता है, तो आप वहाँ पे जाके फॉरगॉट योर पासवर्ड करेंगे और उस यूज़र नेम को यहाँ पे एंटर करेंगे। जैसे ही आप यूज़र नेम सबमिट करेंगे, तो आपको अपना पासवर्ड ईमेल पे प्रोवाइड हो जाता है। अब आप उस यूज़र नेम और पासवर्ड को लेके लॉगिन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मेरे पास एक लॉगिन आईडी है DAV, ये जनरली आपके नाम से स्टार्ट होता है। जैसे इस कैंडिडेट का नाम दविंदर है, तो इसका DAV के साथ शुरू हो रहा है। पहले हम एंटर करेंगे यूजर नेम, उसके बाद हम एंटर करेंगे पासवर्ड। जैसे ही हमने यूजर नेम और पासवर्ड सबमिट किया, हम सीधा कैंडिडेट डिटेल्स में पहुंच जाएंगे, जहाँ आपको सबसे पहले लेटेस्ट रिजल्ट आपका डिस्प्ले होता है। यहाँ पे ऑप्शन है डाउनलोड एज PDF, ये वो ETRF नहीं है, तो इसको आपने क्लोज करना है। जैसे ही आप कैंडिडेट डिटेल्स में जाते हैं, आपके लेटेस्ट एग्जाम की डिटेल सबसे ऊपर आती है। आप देखिए, यहाँ पे आ रहा है व्यू TRF डिक्लेयर्ड रिजल्ट के नीचे। अगर आप देखेंगे पुराने रिजल्ट, वहाँ पे कहीं पे भी ETRF की ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये नया इनिशिएटिव लिया है आईडीपी ने। अब आप यहाँ जाके व्यू TRF जब करते हैं, तो आपके सामने आपकी स्कैन TRF आ जाएगी, जिसमें आपकी फोटोग्राफ कलर्ड है। अब यहाँ पे आप ऊपर जाइए, इधर यू कैन टेक प्रिंट और यू कैन डाउनलोड। तो आप यहाँ पे डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे आप TRF अपनी सेव कर लेंगे। जैसे ही आप अपनी TRF सेव करते हैं, ये आपके पास अवेलेबल हो गई, जिसको आप आगे एडमिशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, अब ये आपकी स्कैन TRF है आपके पास। पहले आपके पास कोरियर से TRF आती थी, फिर उसको आप स्कैन करते थे, फिर जाके आप अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और एजेंट्स को सेंड करते थे। अभी डायरेक्ट आपके पास ऑलरेडी आपकी TRF आ चुकी है। सो ये आपका ना सिर्फ टाइम सेव करती है, रादर आप इमीडिएटली अपनी एडमिशन के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, आपको वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आई गेस ये वीडियो आपको हेल्प करेगा कि आप इजीली कैसे ही अपनी TRF डाउनलोड कर सकें। जस्ट आपको कैंडिडेट लॉगिन में जाना है और वहाँ अपना लॉगिन करके ETRF डाउनलोड कर लेनी है। ये बहुत सिंपल 5 मिनट्स का प्रोसेस है। तो आई होप इस वीडियो से आपने ये प्रोसेस सीख लिया है, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
थैंक यू सो मच एंड गुड लक।